जो हम छठ पूजा करते हैं, इसका महत्व क्या, हम क्यों, मतलब इसकी पूर्ण कथा क्या है? देखिए, ये छठ पूजा जो है ये आज से नहीं, सदियों से, ये महाभारत युग में भी सूर्य पूजा यानी छठ पूजा जो है ये भगवान सूर्य की पूजा है। भगवान सूर्य के दो रूपों की पूजा की जाती है, उगते हुए सूर्य की तो सभी पूजा करते हैं, लेकिन एक छठ व्रती ही ऐसा है जो छिपते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। यानी हम पहले छिपते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और बाद में उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। यानी हम छिपते हुए सूर्य को ये कहते हैं कि हे परमात्मा, आप पहले उस घर में खुशहाल होना जिस घर में आप जा कर के उगोगे, और अगले दिन जब अर्घ देते हैं तो हम ये कहते हैं कि हे परमात्मा आप हमारे घर में, हे परमात्मा अब आप हमारे घर में खुशहाली देना। यानी सूर्य पूजा की महाभारत के युग से प्रचलन है, जिस प्रचलन को आज तक हमारे पूर्वांचल की माता बहन सूर्य पूजा के। और वैसे भी आप देखेंगे स्वस्थ शरीर के लिए यदि कोई प्रत्यक्ष विटामिन डी है तो भगवान सूर्य है, और सूर्य की पूजा हम लोग सदियों से करते आए हैं। तो जो तालाब है हम इसको क्यों बनाते हैं, मतलब क्या वो है इसकी मान्यता? देखिए, तालाब की मान्यता नहीं है, यानी ये जो छठ पूजा होती है ना, व्रती पानी में अर्घ दे के, सूर्य गर्म है और पानी शीतल है, यानी शीतल और गर्म दोनों की ये जो त्यौहार में एक कॉम्बिनेशन है। यानी हम जल यानी ठंड के महीना में, ठंड के महीना में हम पानी में खड़े हो करके हम ये देते हैं भगवान सूर्य को, ये कहते हैं कि यानी पानी में खड़े होकर के, यानी हम ठंडा में खड़े होकर के, और अब ठंड के मौसम चालू है, हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। अब यहाँ पे कोई नदी नहीं है, नहर नहीं है, तालाब नहीं है, तो इसीलिए हम लोग तालाब बनाते हैं। तालाब का महत्व यह है कि पानी में खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ में जो पूजा करते हैं वो विधि कैसे, मतलब वो क्या क्या उसमें क्या क्या करना पड़ता है हमें पूजा के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि कोई धर्म संस्कृति में विधान है तो सबसे ज़्यादा शुद्धता स्वच्छता और विधान छठ पूजा में है। ये 100% नेचुरल है, इसमें बाजारू चीज़ नहीं होती है। यानी घर के अंदर में गेहूँ धान ये सब कुछ कूटते हैं महिलाएं, और कूटने से पहले वो, यानी आज है छठ, कल था खरना, परसों था नहाई खाई, यानी नहाने के बाद महिला नहाती है, अपनी बाल धोती है, उसके बाद ही इस चीज़ की कोई भी काम करेगी। यानी गेहूं भी अपने घर में पीसती है, जो चक्की विलुप्त हो चुकी है उस चक्की को लोग छठ पूजा के लिए रखते हैं कि हमें छठ पूजा के लिए बर्तन अलग होती है, छठ पूजा के लिए चूल्हे अलग होती है, छठ पूजा के लिए चक्की अलग होती है, उसी चक्की में गेहूं पीसते हैं, उसी बर्तन में पकवान बनाते हैं। यानी शुद्धता और स्वच्छता के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है, और ये परसों से यानी नहान खान से ये त्यौहार चालू हो चुका है। प्रकृति से जुड़े हुए जितना चीज है वही इसमें यूज किया जाता है। अब देखिए, मैं क्या, इसमें जो पकवान बनते हैं गेहूं के बनेंगे, चावल के बनेंगे, ईख लगेगा, गन्ना लगेगा, फल फ्रूट होंगे, मिठाई भी होगी तो घर के अंदर बनी हुई मिठाई होगी, नहीं कि दुकान से खरीदा हुआ। यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना इस समय में होगा वही इनको प्रसाद में चढ़ाया जाता है। यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है।